ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਮੋਸਟ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਉਰਵਸ਼ੀ ਰੋਟੇਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੇ ਬੜਤਾ ਹੈ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਟਰਗਲਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਬਟ ਆਪ ਆਗੇ ਬੜਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਾ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਨਾ ਤੋ ਉਨਕੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਕਾ ਤੋ ਯਾਰ ਗੋਲਡ ਕਾ ਥਾ ਆਪਕੋ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਥੀ ਹਮ ਕਭੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਤੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੇ ਜਿਨਕਾ ਫੋਨਸ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬਨ 200 ਫੋਨ ਬਟ ਗੋਲਡ ਕਾ ਫੋਨ तनी देओल पाजी के साथ आपकी बॉलीवुड में एंट्री हुई थी और कभी इतना सोचा भी नहीं था ऊपर वाले भगवान ने ज़रूरत से ज़्यादा दिया आजकल के जो हम भी स्टार्स हैं सिनेमा के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि ग्लोबली हमको लोग कितना ज़्यादा जानते हैं हर तीसरे दिन या चौथे दिन उर्वशी रोटेला दुबई होते हैं श्रीलंका भी उससे थोड़ा सा दूर है 2.5-3 घंटा बांग्लादेश भी है पाकिस्तान भी है फेस को आप कैसे मैनेज करते हैं जब पता चलता है कि हाँ यार हमारी साल दो साल से कोई फिल्म नहीं आ रही है ऑडियंस कहीं हमारी हमारे से टूट ना जाए मेरे साथ कई बार होता है कि 3-4 चीज़ें इकट्ठे आ गई हैं सो एज आई फील एज एन आर्टिस्ट वो प्रॉपर जस्टिफाई नहीं हो पाता है बिकॉज व्हेन वी आर डिलीवरिंग वन थिंग तो ऑडियंस का ध्यान जो होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ग्रैंड सेलिब्रेशन आज तक की उर्वशी की क्या रही है कि भाई ये चीज़ मेरी हिट हुई थी तो मैंने इस तरीके से सेलिब्रेट किया था अभी जो रीजन की आप बात करेंगे तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी को जब एफिल टावर पेरिस में जब लॉन्च किया था तो वो बहुत ज़्यादा था Just asking, I have one question. Sorry, role reversal हो गया. But हमेशा आप ऐसी खुश रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं. एक smile है ना, positivity का sign. Exactly. I think ये I think आपके चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए. अब देखो आपके चेहरे पे भी आ रही है ना. सत श्री अकाल जी मैं साहिल तुसी देख रहे हो जी न्यूज़ 18 पंजाब भी बहुत ज़्यादा सोहनी वाइब है चंडीगढ़ की क्योंकि उर्वशी रोटेला जी मेरे नाल मौजूद है मैम हाउ आर यू सत श्री अकाल सत श्री अकाल आई एम गुड आपको पता है पंजाबी जी कितने खुश होंगे आपको यहाँ पे देख के सबसे पहले उनको बोल दो पंजाबियों किवें हो ऐसा कह दो कर पंजाबी जी क्या पंजाबियों किवें हो पंजाबियों किन्ने हो किन्ने हो पंजाबियों किन्ने हो पंजाबियों किवें हो बॉर्डर हम यू नो एंटर करते हैं ना एक अंदर से पंजाबी वाली वाइब डेफिनेटली अपने आप आ जाती है तो वो वाइब आपको आज आई आपसे बात करने के बाद आई अच्छी बात है ना तो हम कहीं ना कहीं महसूस करवा देते हैं एंड उर्वशी सबसे पहली बात तो ये हमें बड़ी खुशी है कि आप आज चंडीगढ़ में आए हैं और हम जर्नी को लेके आपकी बात करना चाहेंगे बिकॉज काफ़ी टाइम से ना फॉलो कर रहे हैं कि यू नो सनी देओल पाजी के साथ आपकी बॉलीवुड में एंट्री हुई थी और उसके साथ ना उसके बाद अगर ग्राफ देखा जाए ना तो एकदम से बदल गया उर्वशी का रादर देन वो परफॉर्मेंसेज को लेकर हो जाए या यू नो आपके फिल्म्स को लेकर हो जाए यू नो म्यूज़िक वीडियोज़ को लेकर हो जाए ये जो ग्राफ आपका चेंज हुआ है ये जो जर्नी रही है आपकी बॉलीवुड की स्पेशली इसको आपने कितना इन्जॉय किया जी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और कभी इतना सोचा भी नहीं था ऊपर वाले भगवान ने ज़रूरत से ज़्यादा दिया और बहुत ज़्यादा उसी चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ शुरुआत से लेकर अभी तक और बस यही कामना करती हूँ कि खूब मेहनत कर मतलब मेहनत हमेशा चलती रहनी चाहिए और बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए मैं मान बताऊँ ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में मेंशन करनी चाहूँगा कि जब आपका गोल्ड आईफोन गुम हुआ था ना पंजाबियों का अगर पंजाबी में ना बेसिकली क्या होता है कि ना गोल्ड को ना बहुत सारा वो समझते हैं ना अगर पंजाबियों का आईफोन भी गुम हो जाता ना तो उनको नींद नहीं आती महीना महीना आपका तो यार गोल्ड का था आपको नींद आ गई थी जी मतलब मैं क्या बताऊं कि उस दिन देखो हम सब के लोग इन्जॉय करने के उससे गए थे हम कभी ये नहीं सोचते कि चोरी भी हो सकती है मेरे साथ मैं ही नहीं मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिनका फ़ोन्स चोरी हुए करीबन तो फ़ोन बट गोल्ड का फ़ोन एग्जैक्टली और सबसे पहली बात है कि घुसते ही यू नो मेरे सिक्योरिटी के जेब से निकाल करके लेकर गए कितना दुख होता है ना यार जी हाँ एंड अभी भी वो यू नो लाइक चौल में है अहमदाबाद के सो इट्स लाइक वेरी ट्रिकी आई मीन नॉट अ गुड फीलिंग ग्रेट एंड उर्वशी अभी रिसेंटली यू नो बहुत सारी न्यूज़ सामने आती हैं कि मोस्ट हाईली पेड एक्ट्रेस उर्वशी रोटेला है तो ये जो हाई का ग्राफ होता है ना किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस के हिस्से ना बहुत एक लकी वाला ग्राफ होता है कि जब उसका यू नो उसको डिमांड ज़्यादा होती है ऑडियंस उसको ज़्यादा पसंद करती है फिल्म्स उसके पास ज़्यादा आती हैं तो ये जो आपका ग्राफ रहा है हाईली पेड एक्ट्रेस का इसके पीछे कितनी ज़्यादा आपकी मेहनत लगी है कि हाँ यार क्योंकि रिजेक्शन यू नो बहुत सारी चीज़ों का बीइंग एन एक्टर हमें सामना करना पड़ता है ना कई बार चीज़ें सामने आती हैं कई बार नहीं आती बिकॉज स्ट्रगल हमेशा आपकी ऑफ स्क्रीन ज़्यादा चलती है तो ये जो आपका ग्राफ हाईली पेड वाला रहा है इसके पीछे आपका कितना स्ट्रगल है
आई थिंक मैं ही नहीं, किसी भी फील्ड में कोई भी आगे बढ़ता है, चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, बट आप आगे बढ़ते रहते हैं, आप मेहनत करते हैं ज़्यादा और सिंसेरिटी के संग दिल लगाकर काम करते हैं, जो कि मैंने हमेशा किया. कभी भी काम को काम की तरह नहीं किया, बट हमेशा ये कोशिश की कि जो भी मतलब स्क्रिप्ट वाइज हो या माई परफॉर्मेंस वाइज, एक्टिंग को लेके, डांसिंग को लेके, ओवरऑल प्रेजेंटेशन. अभी आजकल के जो हम भी स्टार्स हैं, सिनेमा के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि ग्लोबली हमको लोग कितना ज़्यादा जानते हैं, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में, चाहे वो कैन फिल्म फेस्टिवल हो या फिर पेरिस फैशन वीक. तो मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को किस तरीके से ब्रैकेट में लिया जाए, बट आई थिंक हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मेरा शुरुआत से हमेशा ये रहा कि मुझे अपने देश को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है और ग्लोबली अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है. तो बस अच्छे से, बस वो उसी थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ते रहे. हम ना स्टोरीज देखते हैं ना कि यू नो हर तीसरे दिन या चौथे दिन, मे बी शायद चलो थोड़ा लेट हो या जल्दी हो, उर्वशी रोटेला दुबई होते हैं. क्योंकि ये लगता है कि ना काफ़ी सारे सेलेब्स की ना दुबई फेवरेट सिटी है. हाँ. कि हाँ जाना है तो दुबई जाना है, चाहे हमने वीकेंड सेलिब्रेट करना है या चाहे कोई भी प्रोजेक्ट्स के बाद थोड़ा सा यू नो रिलैक्स होना है तो दुबई जाना है. Yeah. तो मैं आपकी उस जर्नी को या आपका जो दुबई के साथ पर्सनल रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि वहाँ पर ऐसा है क्या. अच्छा, सी आई टेल यू. सबसे पहली बात लाइक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की आती है तो मुंबई से सबसे पास में वही एक जगह है, श्रीलंका भी उससे थोड़ा सा दूर है, 2.5-3 घंटा. तो बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, है ना, पाकिस्तान भी है. तो देखो देखो आपको पता है मैं कितनी सारी जगह जा सकती हूँ, कहीं नहीं जा सकती. आई मिस यूनिवर्स इंडिया, मैं ऑलरेडी बैंड हुआ, आई कैन नेवर एवर गो पाकिस्तान, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है. तो मतलब आप चाहते हैं कि मैं म्यांमार, बांग्लादेश जाऊँ, बाय रूट थोड़ा एंजॉय करते जाओ, भूटान भी पास में है, तो दैट इज अ थिंग. कल को न्यूज़ पता क्या बनेगी, उबई उर्वशी रोटेला जी दुबई होते होते भूटान जाकर आए. ये सारी बातें आई थिंक ये थोड़ा सा. और मेरे जो भाई है, माय रियल ब्रदर, उन्होंने स्टडीज दुबई से की हैं, एमिरेट्स एविएशन यूनिवर्सिटी से. तो वहाँ पे वो हमेशा रहते थे. तो मेरे एक ही मतलब रियल ब्रदर एक ही हैं, तो उनके सिलसिले में बहुत जाना पड़ता है. और क्या बोलते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं. तो इस तरीके से जब फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फिर वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली को गोल्डन वीज़ा मिला है, रेजिडेंशियल वीज़ा इन यूएई. तो इसका एंड उर्वशी, एक चीज़ ना जो मैं पर्सनल तौर पे फील करता हूँ लाइक पंजाब में बीइंग अ जर्नलिस्ट भी, कि बहुत सारे ना जैसे हम कोई फिल्म करते हैं ना, कई बार हमारे प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, यू नो फ्रंट पे नहीं आते, कैमरा के सामने नहीं आते, लोगों के सामने. तो जब आपके प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं या कभी कोई ऐसी चीज़ सामने आती है कि सडनली कोई ना कोई इशू आ गया या कुछ आ गया, तो बीइंग एन एक्ट्रेस कुछ चीज़ें जो बंद हो जाती हैं या हट जाती हैं उनके बारे में थोड़ा दुख होता है. उस टाइम उस फेस को आप कैसे मैनेज करते हैं जब पता चलता है कि हाँ यार हमारी साल दो साल से कोई फिल्म नहीं आ रही है, ऑडियंस कहीं हमारी हमारे से टूट ना जाए या कहीं दूर ना हो जाए, उस फेस को बीइंग एन एक्ट्रेस आप कैसे किस तरीके से यू नो हैंडल करते हैं. जी अभी अभी एक हमारा बहुत ही अच्छा शो आया मेरा रणदीप हुडा का, इंस्पेक्टर विनाश. तो वो हमने 2021 में शूट कर लिया था. रिलीज़ का अनफॉर्चुनेटली थोड़ा आगे की पुश हो रहा था, अब रिलीज़ हो गया है. 8.5 रेटिंग भी मिल गई IMDb में, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया. वो बायोपिक है बाय द वे. तो वो डिले जब हो रहा था तो तब तक ठीक था, फिर अभी रिलीज़ हो गया तो इट्स फाइन. बिकॉज जब आपको तो पता ही, इवन प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म थी गोविंदा जी के साथ, वो 13 साल के बाद रिलीज़ हुई थी. तो हमेशा आई बिलीव कि अपना काम अच्छे से करो, रिलीज़ मतलब आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट रिलीज़ तो हो ही जाएगी. पता क्या होता है, जब आर्टिस्ट की फिल्म लेट होती है ना या थोड़े सा यू नो जब पुरानी शूट की हो तो नहीं आती है, तो आर्टिस्ट यार ग्रो कर चुका होता है, चाहे एज वाइज हो जाए, चाहे यू नो फिजिकल हेल्थ के बारे में हो जाए. तो जब बाद में पता लगता है ना कि यार ये तो उस टाइम की फिल्म थी, तो बाद में ना उनको ऐसे लगता है कि यार शायद इन्हें वेट लूज़ किया होगा. जी हाँ, ऐसा भी होता है. और कई बार मेरे प्रोजेक्ट्स मैंने अभी शूट किया है और 3 दिन के बाद रिलीज़ 3-4 चीज़ें इकट्ठे. तो देन आई विश कि थोड़ा सा और लेट
रिलीज होना चाहिए था, है ना। एक एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट को प्रॉपर अटेंशन मिलनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर इंटरवल्स में होना चाहिए। मेरे साथ कई बार होता है कि तीन चार चीज़ें इकट्ठे आ गई हैं, सो एज आई फील एज एन आर्टिस्ट वो प्रॉपर जस्टिफाई नहीं हो पाता है, बिकॉज व्हेन वी आर डिलीवरिंग वन थिंग तो ऑडियंस का ध्यान जो होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कई बार मैंने इनफैक्ट मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा अपसेट होती कि इतनी जल्दी क्यों रिलीज़ हुआ, थोड़ा सा टाइम ब्रेक के हिसाब से होता तो बेहतर। एक चीज़ जो आपको मेरे को एक वाइब आ रही है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं, आप प्लीज़ मुझे रोकना कि अगर नहीं आपने नहीं आंसर देना, तो कि जब आप ऑडियंस में जाते हो तभी होता है कि ना फैंस तीज बोध करते हैं, हमें छेड़ते हैं कोई ना कोई एक्सपेजी नाम लेके, तो वो टाइम को ना एक हम फन वे में इंजॉय करते हैं कि हाँ चल ठीक है यार तुम लो, तुमने मज़े लो, तुमने हटना तो है ही नहीं, तो उस टाइम आपका अंदर वाला रिएक्शन क्या होता है कि हाँ एक्चुअल में उर्वशी क्या फील करती है कि यार ठीक है मतलब क्यों यार एंजॉय करो, या आपको चीज़ें में हर्ट करती हैं जब सडनली कोई टीज करता है? चीज़ें डिपेंड करता है क्या चीज़ है एग्जैक्टली, कई कई बार हर्ट भी हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द मूड कि आई हैड अ बैड डे या फिर कुछ हो गया है तो तब हर्ट भी कर सकती हैं, इन द एंड है तो इंसान ही और बुरी चीज़ें किसको अफेक्ट नहीं करती हैं, बट कोशिश ये रहती है कि हमेशा खुशी ही रहें जिस तरीके से। पर आप जस्ट आस्किंग आई हैव वन क्वेश्चन, सॉरी रोल रिवर्सल हो गया, बट हमेशा आप ऐसे खुश रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, आपकी टीम मेंबर से पूछना पड़ेगा, ये ऐसे ही खुश रहते हैं हमेशा? मुझे ऐसा लगता है कि एक स्माइल है ना पॉजिटिविटी का साइन है, आई थिंक ये आई थिंक आपके चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। अब देखो आपके चेहरे पे भी आ रही है ना आपसे बट उर्वशी जब हमारी कोई फिल्म हिट होती है ना, वो जो फेस होता है हमारी लाइफ का सक्सेस वाला फेस होता है, जब हमारी रिसेंट कोई फिल्म हिट होती है तो उस सक्सेस को हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उस सक्सेस को कैसे इन्जॉय करते हो, क्योंकि बींग एन आर्टिस्ट आई थिंक वो फेस बहुत एक यू नो इम्पॉर्टेंट फेस होता है जो आर्टिस्ट चाहता है कि हाँ ये मेरी लाइफ में आए, जिसको मैं एक अच्छे लेवल पे एंजॉय कर सकूं। ग्रैंड सेलिब्रेशन आज तक की उर्वशी की क्या रही है कि भाई ये चीज़ मेरी हिट हुई तो मैंने इस तरीके से सेलिब्रेट किया था? ग्रैंड सेलिब्रेशन लाइक फर्स्ट मूवी रादर देन या कोई भी फर्स्ट मूवी, अभी तो ग्रैंड सबसे अभी जो रीसेंट की आप बात करेंगे तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी को जब एफिल टावर पेरिस में जब लॉन्च किया था तो वो बहुत ज़्यादा था, जब मैं टच कर रही थी एंड मैंने किस किया ट्रॉफी को, बहुत ही अलग फीलिंग थी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आई थिंक, क्योंकि वो एक सपना है पूरे यू नो इंडिया का हमेशा से वर्ल्ड कप ट्रॉफी, तो उसको अनवील करना बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी मेरे लिए। और जब मैंने मिस यूनिवर्स को जज किया था तो वो बहुत ज़्यादा बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी मेरे लिए। ग्रेट सुपर्ब, एंड डेफिनेटली अब हम जाते जाते आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप जरूर आपके बारे में ज़रूर बात करना चाहेंगे, कौन कौन सी फिल्म्स हैं जो 2024 में उर्वशी रौटेला हिट फिल्म हमें देने वाले? जी NBK 109 इट्स विद बालकृष्णा, बॉबी डियोल, दुलकर सलमान इन इट, मैं पुलिस ऑफिसर का उसमें रोल कर रही हूँ, वो रिलीज़ होगी अभी अप्रैल में। मेरे ख्याल से पुलिस ऑफिसर का ये रोल कर रहे हैं फैंस कहेंगे कि हमें रेस्ट कर लो आप सारे केस अब हमें भी डाल दो, हम रेस्ट होने के लिए रेडी हैं इतनी सुंदर पुलिस ऑफिसर होगी यार सो आई मीन थोड़ा सा इट इज पुलिस ऑफिसर्स रोल, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, इट्स अ पैन इंडियन फिल्म वो है, फिर एक हॉलीवुड फिल्म है उसका हिंदी रीमेक है, एक्सपेंडेबल्स का हिंदी रीमेक, इट्स कॉल्ड बाप, डायरेक्टेड बाय अहमद खान, तो उसमें सनी डियोल है, मेरी एक फिल्म में बॉबी डियोल है और सनी डियोल भी है। सेकंड फिल्म करने वाले हो ना? जी हाँ, ये मेरी सेकंड फिल्म द ग्रेट के बाद, सिंग्स ऑफ द ग्रेट के बाद, ये वाली फिल्म, हाँ ग्रेट, यस यस, तो आई थिंक दोनों डियोल ब्रदर के संग कुछ ना कुछ आने वाला है। एक मत भूलो वो धर्मावली, हाँ वो भी है। कौन सी है धर्मावली बता दो एक बार। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, तो वो है और फिर एक एक और है, दो तीन चीजें मुझे याद नहीं रहती क्योंकि स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है अभी तो। इनफैक्ट दिल है गृह जिसके लिए हम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी गए थे, वो भी रिलीज होने वाली है, वो एक तमिल सुपरहिट फिल्म है, उसका हिंदी रीमेक है दिल है ग्रे, वो आने वाली है। और जेसन डेरुलो जो है जलेबी बेबी के सिंगर, उनके संग भी एक यू नो इंटरनेशनल ट्रैक आने वाला है, तो इंटरनेशनल मिक्स इंडियन प्रोजेक्ट्स सब आ रहे हैं। सुपर, एंड स्पेशली जो ये टाइम पीरियड है ना हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है राम मंदिर के लिए अयोध्या में, जो यू नो अभी यू नो 22 तारीख को वो होगा, एंड उसके बारे में ज़रूर आपके दिल की बात जानना चाहेंगे कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, बिकॉज यहाँ पूरा इंडिया एक्साइटेड है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि उसके बारे में आप कुछ।
जी मैं बहुत ज़्यादा बेहद उत्साहित हूँ. आई थिंक इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू हम सभी भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए. और वो सबसे बड़ा दिन है 22 तारीख का, और 41 ईयर्स के बाद एक ऐसा शुभ मुहूर्त आया है जिस दिन यू नो राम मंदिर का उद्घाटन होगा. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. उस दिन मेरे घर का भी उद्घाटन है बाय द वे, मेरे नए घर का. सो हमारी तो पूजा ऑलरेडी है और आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. ही राम जी का जाप होगा. जी हाँ बिल्कुल. एंड लास्ट क्वेश्चन, ये स्पेशल पंजाबियों के लिए है, इसके बाद हम बंद करेंगे. पंजाब में आए हो, सर्दियों का टाइम है. पिन्निया ते सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी बहुत ज़्यादा फेमस है. अपनी टीम वाले बंदे को किसी को बोलना कि जरूर खिला के भेजें, ऐसे नहीं आपने जाना. जी हाँ, अभी आफ्टर पार्टी, अभी अभी खाएंगे, अभी खा के जाएंगे. आफ्टर पार्टी मतलब कि अभी ये क्लब की एक इनॉग्रेशन में आए हैं, तो उसके बाद ये सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी जरूर खा के जानगे. जी हाँ जी, उसकी स्टोरी अपलोड करनी है. जी हाँ. सो थैंक यू सो मच रिवाइज. थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा. जल्दी मिलते हैं. यस जल्दी मिलते हैं.